So you, I don't know if you can see the screen. Just give me a minute. ओके, सो आज का ज्ञान ये है, देखो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो ये है कि टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ। इसका बहुत डीप मीनिंग है और ये बात बिल्कुल सही है कि आप जिससे भी पढ़ रहे हो, आप जिसको भी फॉलो करते हो, दैट पर्सन और दैट ही और शी कैन ओनली शो यू द पाथ। ही और शी विल नॉट वॉक द पाथ अलोंग विथ यू, दैट इज द ट्रूथ, एंड दे कैन ओनली शो यू द पाथ। सो कैसे प्रॉब्लम्स को टैकल करना है, दैट इज ओनली पॉसिबल फ्रॉम द साइड ऑफ ए टीचर। ठीक है, इफ आई टेक माई एग्जाम्पल ऑल्सो, मैं आपको सिर्फ क्वांट, अभी हम लोग क्वांट पढ़ रहे हैं तो क्वांट में मैं आपको सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे करना है। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि एग्जाम के लिए मेंटेलिटी क्या होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। कल हम लोगों ने जो लास्ट में क्वेश्चन किया था कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसको पेपर में कभी भी अटेम्प्ट मत करना। इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस इन पेपर। ठीक है, यू फाइंड आउट द इजी क्वेश्चंस फ्रॉम द प्लॉट एंड यू ट्राई टू अटेम्प्ट द इजी वंस। ठीक है, जो आपको समझ में आता है वो सब अटेम्प्ट कीजिए, जो समझ में नहीं आता है उसमें दिमाग मत मारिए। ओके, एंड अगर अभी तो आप लोग आरआरबी दे रहे हैं ना, आरआरबी में आपको 50, 60, 70% ऑफ द क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगा इफ योर प्रिपरेशन इज गुड। आपको आराम से आएगा, 70 to 80% आ जाएगा। क्वांट में तो आता है, 70-80% आ जाता है समझ में। मतलब समझ में तो हर क्वेश्चन आता है, बट उसको जो उस टाइम पे करना है, बट एज यू स्लोली इंक्रीज द लेवल, आप जब IBPS SBI PO के लेवल में जाओगे तो वहां पे आपको 40% क्वेश्चन ही समझ में आएगा, 40 to 30%। उससे बड़ा, उससे ज्यादा समझ में ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। सो इसीलिए यू ट्राई टू बिल्ड ए हैबिट कि मतलब जो क्वेश्चन मुझे आता है, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप उसको ही फोकस कीजिए। क्योंकि ये एग्जाम, इसमें ये स्किल नहीं है, जैसे इट्स नॉट लाइक कैट। कैट का एग्जाम में क्या होता है, कैट में इफ यू सिट फॉर द एग्जाम, आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। सो दोज हु कैन सॉल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चंस ओनली दे कैन क्लियर द कैट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोज हु कैन सॉल्व द क्वेश्चंस जो उनको आता है, हु कैन सॉल्व फास्ट, दे कैन क्लियर द एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे वो चीज अलग होता है। आई थिंक आपको अभी तक ये डिफरेंस पता चल गया होगा कि हर एक क्वेश्चन करने वाला नहीं होता है, यहाँ पे इजी क्वेश्चंस भी आता है बैंकिंग में और इजी क्वेश्चंस को ही करना पड़ता है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। विल स्टार्ट विथ वन DI टुडे। ये है पहला DI। यू डू वन थिंग, यू राइट डाउन वट एवर इट इज रिटन इन द DI। जो भी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं निकालो। आई विल गिव यू 2 मिनट्स और हो जाने से डन बोल दो। बाई नेक्स्ट वीक आई हैव गॉट परमिशन फ्रॉम वाइसुलन सर, तो नेक्स्ट वीक से हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे। क्रिटिकल रीजनिंग का क्लास मुझे थोड़ा सा सिर्फ अरेंज करना पड़ेगा, वो देट लेट्स सी व्हाट द टाइम कैन बी। सो अगर मैंने क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाया सेम डे, आई कांट टेक द क्वांट क्लास। ओके, सो देखेंगे वो कैसे करना है। अभी RRB PO में भी आ रहा है ना क्रिटिकल रीजनिंग, सो वी हैव टू डू इट। भाई नेक्स्ट वीक आई विल स्टार्ट द टॉपिक क्रिटिकल रीजनिंग। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। सी व्हाट एवर, जो भी लिखा है, जो आपको समझ में आता है उसको लिख लो, डन। ठीक है, जल्दी लिखो। जो भी समझ में आता है आप लिख लो, यहां से हो गया ना। कल कर लिया ना कैलकुलेशन, बैठा दिया ना 2012 का कैलकुलेशन, बिठाया ना 2012 में कितना बुक्स है वो बिठाया कि नहीं। यस, कर लिया ना। ओके, 12-13 में भी बिठा लिया। प्लीज राइट इट डाउन। ओके,
यस ओके ठीक। आप दोनों बहुत ओबीडियंट हो, आई फील सो गुड। विश्वजीत और प्रियंका, आप हर एक चीज का रिप्लाई देते हो। हर एक चीज का रिप्लाई नहीं देने से भी होगा। ओके करो करो, ये वाला क्वेश्चन करो। राइट, पहले लिख लो क्या क्या है। देखो तो, देखो देखो, 2011 में 702 किताब प्रिंट हुआ है, आप बोलो 2012 में कितना हुआ है? 938 ना? इज इट 938? यस करेक्ट, 938। समझ में आ रहा है ना कैसे 938 है? देखो 2012 तक, टिल 2012 1640 है, जिसमें से 2011 में 702 है, तो बाकी रिमेनिंग, गुड इवनिंग अरमान, 702 अगर 2011 में 702 है तो रिमेनिंग जो होगा वो 2012 में होगा ना, तो 2012 में 938। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, यहां तक क्लियर है ना? यस ओके। अभी आप मुझे बताओ कि 2013 में कितना हुआ, व्हाट इज द टोटल काउंट 2013 में? थर्टीन में कितना बुक्स प्रिंट हुआ, सॉरी पोएट्री बुक्स? दो सौ सत्तर करेक्ट। नहीं, 772 कैसे, 270। 2012 तक अगर 1640 है और 2013 तक कितना है, तो ये गैप ही होगा ना 2013 में, समझ में आया ना? ये जो गैप है यही होगा ना 2013 में। 2012 तक कितना है और 2013 तक कितना है, तो 2012 तक कितना है, 13 तक कितना है, मतलब रिमेनिंग होगा ना, करेक्ट? ओके, और ये एम परसेंट, ये तो आपने लिख लिया होगा, ठीक। यहाँ पे कुछ नोट है, आप लोग पहले ये एम परसेंट एन परसेंट लिख लिया ना, आप लोग अभी पूरा चीज को सॉल्व करके निकालो कि कितना पोएट्री बुक्स प्रिंट हुआ और कितना दूसरा टाइप का क्या बुक है, स्टोरी बुक्स, कितना स्टोरी बुक्स प्रिंट हुआ उसका पूरा डेटा तैयार करो, देन टेल मी इफ इट इज डन और नॉट। ये आईबीपीएस पीओ मेंस 2020, 2023 का क्वेश्चन है या फिर 2022 का क्वेश्चन है शायद। उसके बाद हम लोग इजी क्वेश्चन में मूव हो जाएंगे। ये क्वेश्चन मतलब ये भी इजी है, ये देख के ही पता चल रहा है, उतना कुछ नहीं होगा इसमें। प्लीज सॉल्व। टेल मी, आप लोग पहले पूरा डेटा निकालो एंड टेल मी, डन होने से बोल दो, इफ वन ऑफ यू कैन डू इट देन आई विल स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम।
सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाइए। एन एम और के का वैल्यू बताओ, एन एम और के का वैल्यू बताओ, टेल मी फास्ट। ओ भाई आप लोग क्या कर रहे हो, अरे इसको सॉल्व कर दो ना, के इक्वल टू एन माइनस एम है तो यहाँ पे के को डाल दो, तो एन प्लस के मतलब एन माइनस एम इक्वल टू 95 और एन प्लस एम इक्वल टू 115। तो दोनों इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर दो, ये एन प्लस एन माइनस एम तो 2n होगा, ये 2n माइनस एम, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एम एम कैंसिल हो जाएगा तो 3n बराबर कितना होगा, इधर 120 90 210, तो एन हो जाएगा 70, एन हो जाएगा 70 और एन प्लस एम है 115, तो एम कितना होगा, एम हो जाएगा 45 और के क्या है, एन माइनस एम, के क्या है, एन माइनस एम, तो के क्या होगा, एन माइनस एम कितना है, 25। आया समझ में इसमें क्या था। ये समझ में आया ना, टेल मी इज इट क्लियर और नॉट, प्लीज टेल मी। यस, समझ में आ गया ना, ठीक है। एन एम और एन एम और के निकल गया सर, मुझे लगा था यही ऑप्शन है, नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, ये नोट है, नोट है, क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो नोट है, एक्स्ट्रा नोट, ये गिवन है, मतलब डीआई के बाद देखना नोट गिवन रहता है ना, उससे सॉल्व कर सकते, वो है ठीक है। तो एन का वैल्यू 70 है, एम का 45, एम फोर एम एन ओ पी के जे के एल एम एन के एम एन मतलब 25 45 70, 25 45 70, ये 25 K 45 और ये 70, करेक्ट ठीक है। तो अभी हम लोग सही लिखा ना मैंने, 25 M 45 N 70, 25 M 45 70 ठीक है। और आपको ये बोला है कि ये क्या है, ये परसेंटेज ऑफ पोएट्री बुक्स है, दिस इज द परसेंटेज ऑफ पोएट्री बुक्स। अभी मैं सॉल्व कर देता हूँ, अभी नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे 2011 में, 2012 में और 2013 में तीन तीन तरीके का बुक्स बनाया गया, सॉरी दो तरीके का, एक है पोइट्री और एक है स्टोरी ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 2011 में परसेंटेज कितना है, पोइट्री का परसेंटेज, पोइट्री आउट ऑफ टोटल 45%, तो 45% का मतलब पोइट्री और स्टोरी का रेशियो 9:11 होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस, इफ आई राइट इट डायरेक्टली, इफ आई राइट पोइट्री इज एंड स्टोरी इट्स 9:11, आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया ना। वो 45% है तो वो 55% होगा, मतलब ये अगर 45 है, ये अगर 45% है तो ये 55% होगा, तो द रेशियो विल बी ऑब्वियसली 9:11 ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद पोइट्री कितना है, 70%, 70% मतलब 70%, तो ये 30% उसके बाद क्या है, 25%, 25% पोइट्री है, 25% मतलब 1/4, तो ये अगर 25% है तो ये 75% होगा, 1:3 करेक्ट ठीक है। अभी देखो, अभी हमको पोइट्री बुक्स बुक्स तो निकला ही है, पहला 702, पहला 702 मतलब 9 यूनिट का वैल्यू 702 है, आप मुझे बताइए 11 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, टेल मी। स्लो कैलकुलेशन, 1078 होगा ना, है कि नहीं, देखिए गलत है, बोलो ये आप लोग करो तो करो, करो यू फाइंड आउट एवरीथिंग, पोइट्री और स्टोरी कितना कितना है वो निकालो, हाँ निकालो निकालो, पूरा निकाल लो, तो पोइट्री स्टोरी कितना है,
होने से डन बोल रहा हूँ। डन हो गया। अरे बढ़िया। NTD और 270 डन हो गया। ये अगर 270 है तो ये 810 होगा। ये अगर 938 है तो 48 मतलब 130 और 4 134 हो, तो ये होगा 402 ही होगा ना। ये स्टोरी 858। ये तो 402 ही होगा ना, 3 यूनिट ये जो है, बाकी तो ठीक है। यस ओके। हाँ सॉरी सॉरी, मैं 1 यूनिट 900 वो ले लिया था। 1 यूनिट तो 78 होगा ना, 78 होगा तो तब। हाँ सही करेक्ट। ठीक है चलो, आप लोग ये वाला डेटा लिख लो, प्लीज राइट दिस डेटा, और मैं फिर पीछे नहीं घूमूंगा। आप डेटा लिखो, क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है, मैं तो नहीं करूंगा, मतलब मैं आपके बात करूंगा। फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व एवरीथिंग। DIY इजी इजी होगा सब, डेटा निकल गया जब। राइट डाउन एवरीथिंग एंड टेल मी व्हेन इट इज डन। जल्दी लिखो। प्लीज जल्दी लिखो, ये सब में टाइम चला जाता है। डन हो गया ना। चल ये वाला क्वेश्चन करो। सी वेरी नाइस। सी मतलब ओनली वन एंड टू। ओके अच्छा, आप मुझे कोई एक इंसान मुझे इसी ऑर्डर में बताओ वैल्यू, के एम और एन का वैल्यू बताओ इस इन इन द सेम ऑर्डर इन विच आई रोट, प्लीज टेल मी। यार आप लोग यार एक काम, 25K 45 70 25 25 45 70 है ना? ठीक है ओके चल ठीक है। हाँ तो अभी 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 ये देखो, 2011 और 13 में डिफरेंस कितना है? व्हाट इज द डिफरेंस 2011 और 13 में? किसका डिफरेंस पूछा है? स्टोरी बुक्स का ना, तो स्टोरी बुक्स का 2011 में 858 है और 2013 में 810 है। हाँ तो डिफरेंस इज 48, डिफरेंस इज 48, डिफरेंस इसका आंसर 48 है। आप देखो कौन सा वैल्यू 48 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2K-2 48 है क्या? है। M+3 48 है? N/2+8 48 नहीं है, तो मतलब 1 and 2। ये समझ में आया ना? इजी था ना क्वेश्चन? यस इजी था ना ये सवाल? एनीवन हैविंग एनी डाउट हियर यू प्लीज आस्क मी। पूछ लो एक बार, अगर किसी को डाउट है यू टेल आस्क मी, आई कैन हेल्प यू। नहीं है डाउट? चलो डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन करो।
वेरी नाइस बी ओके The number of story books printed in 2015 is 12 less than 7 times the difference between the story books printed in 11 and 13. पहले तो आप देखो 11 और 13 का story books का gap कितना है? यही तो है 11 और 13 का story books का gap. यहाँ last question में निकला था 48. तो ये gap तो 48 है. इसका 7 times करो. 48 into 7 कितना होता है? बताओ. Tell me what is 48 into 7? 336 होगी. ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स प्रिंटेड इन 2015 जो है ना, 336, थैंक यू, 2015 में जो नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स है ना वो 12 लेस है देन 7 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन द, ये तो 7 टाइम्स द डिफरेंस इतना है तो उससे 7 कम है, मतलब इससे 7, सॉरी इससे 12 कम है, मतलब 324 है. दिस इज द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स, सॉरी पोएट्री बुक्स प्रिंटेड इन 2015. आपको पूछा है द नंबर ऑफ पोएट्री बुक्स प्रिंटेड इन 15 इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ पोएट्री बुक्स प्रिंटेड इन 13. 13 में पोएट्री बुक्स कितना है? 270. तो आपको पूछा है कि ये वाला नंबर 270 से कितना ज्यादा है, मतलब कितना परसेंटेज ज्यादा है. आपको दिख रहा है ये 54 ज्यादा है, तो 54 ज्यादा है तो ये तो 54 1/5 है, तो मतलब 20% ज्यादा है. ठीक है, 20% ज्यादा है. तो अभी देखो किस में 20% बैठता है, यहाँ पे मैं वैल्यू के 25 45 70, तो के माइनस 5 तो बैठ ही रहा है, तो यही आंसर होगा. ठीक है, इस क्वेश्चन में, इस डीआई में किसी को डाउट है क्या? ये इजी डीआई है ना, आपको क्या लगता है ये एग्जाम में तो करना चाहिए मेरे हिसाब से. इसको तो कर देना चाहिए, इसमें तो 5 क्वेश्चन था, मैंने 3 क्वेश्चन पिक किया उसमें से, बट इट हैड 5 क्वेश्चंस. And you should do this kind of DI. देखो exam में एक strategy रखना कि whenever you see any question that you can do, you never leave it for the last. उसको कभी मत छोड़ना mains में particularly. आपको अगर एक question DI देख के लगता है कि वो बन जाएगा ना, उसको करना ही है, मतलब उसको करके ही छोड़ना है. ऐसा नहीं है कि नहीं बाद में आ जाते हैं, उसको बाद में देखेंगे, वो बाद वाला कभी काम नहीं होता है. ठीक है, यू डू इट इमीडिएटली. एनीथिंग DI पजल, एनीथिंग पैसेज, जो भी क्वेश्चन मिलता है मेंस में, स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होता है. ओनली स्ट्रेटेजी इन मेंस इज जो आपको क्वेश्चन दिखता है वो आपको अगर आ जाता है उसको कर दो बस. उसके उसमें मार्क्स वार्क्स मत देखो, मतलब आरआरबी में मार्क्स देख सकते हैं, बट जब एसबीआई आईबीपीएस में जाओगे तो उसमें तो मार्क्स देखना ही नहीं है, जो आता है वो ही कर दो बस. ठीक है, चलो यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व इट फास्ट. I'm still learning about life. My women were children for me. I can tell them my family. I can tell them stories.
प्लीज मैन ट्राई टू आंसर फास्ट। क्वेश्चन तो समझ में आ जा रहा है देख के। ओके देखो, दो तरीके का बुक है, पोएट्री और स्टोरी। पोएट्री है 938 और स्टोरी है 402। आपको बोला है कि 2012 का स्टोरी है, 2012 का, ठीक है? दो, ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स प्रिंटेड इन 2012, 55% आर इंग्लिश। टोटल बुक्स कितना है? 940, 1340। 1340 का 55% कितना होगा? 1340 का 55% बताओ। 1340 का 55% कितना होगा? प्लीज टेल मी। 670 और 67। 1640, 1640 है क्या? अरे मैंने गलत लिखा क्या? कैसे 2012 का 938? 938 और 402 ही है तो 1340 ही है। 2012 में 1640 है क्या? तो अरे, तो कैलकुलेशन पहले से ही गड़बड़ है क्या? नहीं, 2012 में नहीं, 13, 2012 तक है 1640। 2012 तक 1640 है, 2012 तक। वो तो भाई पोएट्री बुक्स है। आप कहाँ कहाँ घूम रहे हो? हम लोग कहाँ आ गए? आप ठीक से देखो क्वेश्चन को। ये पोएट्री बुक्स है भाई, दिस इज द नंबर ऑफ पोएट्री बुक्स। ये 702 है 2011 तक, और पोएट्री बुक्स 1640 है। ये पोएट्री बुक्स है 1640, 2012 तक 2012 तक 1640 है। तो रिमेनिंग 938 है पोएट्री बुक्स। समझ में आया? तो इसीलिए तो रेशियो निकाला था परसेंटेज से। ये डेटा गलत नहीं है, ये ठीक है। तो 938 और ये आपका क्या है? 402, ठीक है। तो इस नंबर का बताओ 55% कितना होगा? टेल मी। 7, हाँ 737, करेक्ट। 737 ही होगा ना? 740 और 74 37। हाँ 737। इसका मतलब इनमें से 737 बुक्स इंग्लिश में है, आपको बोला है। और बाकी अलग लैंग्वेज उसको छोड़ो। नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स इन प्रिंटेड इन इंग्लिश पोएट्री बुक्स इन इज 428। तो पोएट्री में जो इंग्लिश में है ना, वो 428 है। तो स्टोरी में इंग्लिश में कितना होगा? रिमेनिंग 737 टोटल बुक्स है, जिसमें से इंग्लिश में 737 टोटल है, तो उसमें से पोइट्री ने ले लिया 428। तो जो रिमेनिंग बचेगा, मतलब 309 बचेगा, जो 309 है वो इंग्लिश में है, सॉरी वो स्टोरी बुक्स है,
वो 309 जो है वो स्टोरी बुक से, करेक्ट? ठीक है, आपको क्या पूछा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अदर लैंग्वेज पोएट्री। पोएट्री में अदर लैंग्वेज कितना होगा? पोएट्री में इंग्लिश में इतना है, तो अदर लैंग्वेज में बाकी रिमेनिंग होगा, तो 4 510, 510, हाँ 510, हाँ करेक्ट 510। और फिर उसके बाद नंबर ऑफ अदर लैंग्वेज पोएट्री एंड स्टोरी बुक्स, स्टोरी में अदर लैंग्वेज में कितना होगा? 309, तो 91 और 2, 93, 93। आपको बोला है कि इन दोनों में गैप कितना है, 510 और 93 में गैप कितना है, तो 410 होना चाहिए था, बट उससे 7 ज्यादा है, तो 417। दिस इज योर आंसर। अभी आप देखो कि ये कौन सा ऑप्शन के साथ मैच करता है, तो 3m + 4n + 2 नहीं होगा, 3m + 4n, 3m मतलब 5 में खत्म होगा, 4n मतलब 0 में खत्म होगा, तो 5 0 और 2, 5 और 2, ये हो सकता है ना? 3m हो जाएगा आपका 90, 135, और 4n हो जाएगा 280, 280 और 137, 280 और 140 होता है 520, 280 और नहीं, लेट मी डू द कैलकुलेशन, मुझे कैलकुलेशन करने तो एक बार मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे 105 है, सॉरी ये 135 है, और 2 137 और 280, 280 और 140 होता है 420, बट 137, ये तो सही है, आप लोगों ने क्या सॉल्व किया है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। अब करो 3m + 4n + 2 करो, 470 नहीं तो आ रहा है। सिंहेश जी आपका डाउट क्लियर हुआ ना? ठीक है, आप देख लेने एक बार उसको स्टार्टिंग में, देखो ये पूरा तो हमने बनाया था ना, ये वाला पूरा चीज, तो वो अलग, तो वो अलग है, ये अलग है, वो तो डेटा सिर्फ गिवन था। आप मुझे एक चीज बताओ, ये वाला क्वेश्चन टफ था कि इजी था, आपको क्या लगता है? टेल मी कॉन्फिडेंटली बताओ, ये जो अभी क्वेश्चन किया, ये टफ था कि इजी था? इजी था, बहुत इजी था, बहुत इजी था भाई, बहुत ज्यादा इजी था, मतलब मेंस का लेवल में ये तो क्या कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन इट्स नथिंग, नथिंग है, तो फिर क्यों गलत हुआ ये? ट्राई करो, ठीक है, यू ट्राई टू डू द इजी क्वेश्चंस प्रॉपरली, किसी को डाउट नहीं है, आई होप। नाउ वी विल मूव टू अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो, तो ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। क्वेश्चंस आर नॉट सो टफ, सो डोंट गेट नर्वस, आराम से करो, देखो निकलता है कि नहीं। चिल्ड्रन आपको सिर्फ ये बताना है कि इन ये वाला स्टेटमेंट का हेल्प से हम आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं, दैट इज ओनली द थिंग। आपको आंसर नहीं निकालने से भी होगा, मैं आपको निकाल दूंगा, बट आप नहीं निकालने से भी होगा, ट्राई करो। लेट मी आल्सो सी द क्वेश्चन, ओनली वन इज सफिशियंट, वेरी नाइस यार, वेरी गुड, इतना जल्दी दे दिया, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी इंप्रेसिव, बहुत जल्दी आंसर दिया।
पहला से तो आ रहा है, एब्सोल्युटली यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, पहला से तो आ रहा है आंसर। 5:3 है, उसमें 30 लीटर डाला और उसमें आपका 10 लीटर डाला, तो फाइनल मिक्सचर में रेशियो बना 2:1। तो हम फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर, हाँ बता देंगे, बता देंगे, आराम से बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 20 है, बाकी लोग ट्राई करो, जल्दी करो। तू से नहीं आ रहा है क्या? देखो, इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू वाटर इज 5:3। मतलब दूध और पानी का रेशियो गिवन है, मिल्क और वाटर। आपको 40 लीटर इसे रिमूव करना है, 40 लीटर रिमूव। लास्ट ए डाउट लग रहा है, लास्ट ए, लास्ट ए मतलब, अच्छा बंगाली और हिंदी मिक्स कर दिया क्या? ओके ठीक है, लास्ट में डाउट लग रहा है, ठीक है देखते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। पहला से तो आ जाएगा, वो तो समझ में ही आ रहा है देखिए कि 5:3 रेशियो है, और 40 लीटर आप मिक्सचर उससे 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 अगर निकाल भी दोगे, आप अगर उससे 40 लीटर मिक्सचर निकाल भी दोगे, तो रिमेनिंग मिक्सचर में दूध और पानी का रेशियो तो 5:3 रहेगा, वो रेशियो कभी चेंज नहीं होता है। एंड रिप्लेस्ड विथ 30 लीटर्स ऑफ मिल्क, मतलब ये इसमें मैंने 30 लीटर्स दूध डाला और इसमें मैंने पानी डाला 10 लीटर, जिसके वजह से रेशियो, अच्छा आपको बताना है फाइनल मिक्सचर में क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है, वाटर कितना है, क्वांटिटी क्वांटिटी। और उस पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सर रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू वाटर इन द फाइनल मिक्सचर इज 2:1। ये निकाल देंगे ना, इसको 5x मान लो, इसको 3x मान लो, तो 5x+30 डिवाइडेड बाई 3x+10 इज इक्वल टू 2/1। समझ में आया ना? ये तो करने का जरूरत नहीं है, यहाँ से x निकल आएगा, x अगर निकल आएगा तो 5x 3x निकल आएगा, तो टोटल क्वांटिटी निकल आएगा। तो फाइनल, अच्छा फाइनल मिक्सचर में ही बताना है, तो निकाल दोगे ना आप? देखो तो इसमें कॉन्फिडेंस मिल रहा है ना, पहला वाला मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको भी सॉल्व नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑल्सो नॉट सॉल्व डेटा सफिशियंसी, ठीक है? जो डेटा सफिशियंसी सॉल्व करता है वो उल्लू है, मतलब ही और शी इज द बिगेस्ट फूल। डेटा सफिशियंसी को सॉल्व नहीं करना है, उसमें सिर्फ अंदाजा लगाना है कि आंसर आएगा कि नहीं, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो इससे आ जाएगा आंसर, ऑब्वियसली आएगा। आपको क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर पूछा है, तो आप यहाँ से 5x का वैल्यू आ जाएगा, तो आप 5x और 3x का वैल्यू निकाल देना, और फिर उसमें आप 40 लीटर 30 और 10 10 लीटर ऐड कर देना 3x में, वही होगा ना, ठीक है? तो इसका टेंशन तो नहीं है मुझे, ये 1 से तो आ जा रहा है। बट 2 में क्या लिखा है? 2 स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट लेट अस सी इफ यू कैन फाइंड द आंसर। देखो इससे तो आ जाएगा, श्योर है। आपको बोल रहा है कि पहले तो 5:3 था, तो मैंने 40 लीटर रिमूव किया, फिर भी 5:3 है, दूध और पानी का रेशियो फिर भी 5:3 है। फिर मैंने रिप्लेस्ड विथ 30 लीटर्स मिल्क, इसमें मैंने 30 लीटर दूध डाला और मैंने 10 लीटर पानी डाला, फिर यहाँ पे क्या आया मुझे नहीं पता है, ठीक है? आपको बताना है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर कितना है, ठीक है? आपको बोल रहा है कि अगर मैं 10 लीटर दूध, 10 लीटर पानी के जगह में 26 लीटर पानी डाल दूं, देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर वुड हैव बीन 24 लीटर मोर देन वाटर। नहीं
नहीं बता सकते ना। नहीं बता सकते ना, नहीं बता सकते यार, कैसे बता देंगे हमको? तो ये वाला चीज का भी तो सम नहीं पता है ना, ये वाला रेशियो का सम भी हमको नहीं पता है ना, ये वाला रेशियो का सम। और ये वाला नहीं, ये वाला रेशियो अगर पता होता ना तब निकाल देते। ये वाला रेशियो का सम भी मुझे नहीं पता है कि पहले कितना था। हमने हमको सिर्फ ये पता है कि 40 लीटर उसमें बाहर निकाला था, लेकिन कितना बचा है वो तो नहीं पता है ना। वो तो वो कहाँ पता है कि रिमेनिंग कितना है? वो अगर पता होता फिर हम लोग निकाल देते आराम से। वो पता होने से निकालने का भी कुछ जरूरत नहीं था, वो पता होने से तो कुछ जरूरत ही नहीं था निकालने का, एक्चुअली में जरूरत तो नहीं था। नहीं निकाल सकते यार। देखो आप थोड़ा ट्रिवियल ट्रिवियल मेथड में सोचो, अगर इसका रेशियो एक्स इज टू वाई भी होता तभी भी आपको सिर्फ ये बोला है कि अगर ये ऐड करूं तो वाई और एक्स का गैप कितना होगा, वही बोला है रेशियो का गैप। और इसमें भी रेशियो का गैप थोड़ी सेम होगा, रेशियो का गैप कुछ भी नहीं है ना, कुछ एस्टेब्लिश में हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। आप यहाँ पे अगर आपको बोल रहे हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क वुड हैव बीन 24 लीटर्स मोर देन वाटर, मतलब ये जो गैप है ये 24 लीटर्स का, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप 24 लीटर्स का है बोल रहा है, उससे हम लोग क्या कर लेंगे? कुछ थोड़ी कर सकते। आपको थोड़ी पता ये रेशियो क्या है? नहीं पता, ये रेशियो भी नहीं पता, इनका साम वाम कुछ नहीं पता है, तो इससे आंसर नहीं आएगा। तो सिर्फ वन से ही आंसर आएगा, ओनली वन इज सफिशियंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बताओ समझ में आया ना आपको? रेशियो नहीं होने से कुछ नहीं कर सकते। सर एक्स निकाल के ट्राई कर सकते हैं ना? सोच रहा हूँ, अगर एलिमिनेट कर करके कर सकते हैं, क्योंकि 26 लीटर पानी डालने से 24 लीटर्स का गैप आ रहा है। 26 लीटर पानी डालने से दूध मतलब 24 लीटर्स ज्यादा है, तो मैंने 26 लीटर डाला फिर भी 24 लीटर्स ज्यादा है। मतलब सर अगर जैसे कि मैं सर 20, मतलब अगर मैं 50 लीटर्स डाल दूं तो गैप जीरो हो जाएगा ना, आप यही बोल रहे हो ना? नहीं सर, डायरेक्टली सर यहाँ पे 3x है और ऊपर में अगर मैं 40 लीटर्स माइनस करता हूँ तो वहाँ से मेरा -15 जा रहा है, और उसके बाद अगर मैं 26 लीटर मैं प्लस करता हूँ तो उसका इक्वल हो रहा है 3x+11 जैसा जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद तो मिल्क का रेशियो वहाँ से कुछ एक निकलेगा समथिंग, एक सेकेंड, 5x+5 जैसा कुछ। हाँ, क्योंकि पहले वो -25 कर रहे थे तो 5x+5 जैसा निकलेगा, और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो हम लोग का है तो 5x+5, और नीचे जो कुछ एक सेकेंड यहाँ से कुछ एक एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, एक बार करना होगा सिर्फ। मैं क्या सोच रहा हूँ पता है? मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर देखो 26 लीटर आपने पानी डाला तो फिर भी मतलब 24 लीटर्स दूध ज्यादा है। मतलब अगर मैं 50 लीटर पानी डाल दूँ तो दूध और वो बैलेंस हो जाएगा ना, दूध और क्या बोलते हैं इसको, दूध और पानी इक्वल हो जाएगा ना। मैं वैसा सोच, मतलब समझ में आ रहा है ना? देखो आपने अगर 26 लीटर पानी डाला तो फिर भी मतलब दूध 24 लीटर ज्यादा है, तो 26 लीटर पानी डाला फिर भी ज्यादा है। मतलब अगर मैं 50 लीटर पानी डाल दूँ तो फिर दूध और पानी इक्वल हो जाएगा ना, उस तरीके से सोच सकते हैं कि इसको, तब तो रेशियो बराबर आएगा। अगर मैं यहाँ पे आप 26 लीटर पानी डालो ही मत, यहाँ पे आप 50 लीटर डालो, तब तो रेशियो 1:1 आएगा ना, तब तो आंसर आ जाएगा ना मेरे भाई, आ जाएगा ना, इससे भी आएगा यार। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस और नो बताओ तुम। नहीं समझ में आया? देखो नहीं आया ना, ओके देखो फिर से, हाँ बता दो, यहाँ पे क्या बोल रहा है? आ जाएगा यार इसका आंसर, आ जाएगा 100% आएगा, आइदर 1 or 2 से आएगा। इतनी बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ गया। देखो क्या इतना अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ इफ इंस्टेड ऑफ एडिंग 10 10 लीटर्स वाटर
अगर आपने 26 लीटर पानी डाल दिया ना, तो तभी भी दूध 24 लीटर ज्यादा रहेगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने 26 लीटर पानी डाला, 26 लीटर आपने वाटर डाला, फिर भी जो दूध है ना, मतलब मान लो कि 26 लीटर पानी डालने के बाद पानी एक्स है, आप मान लो 26 लीटर पानी डालने के बाद पानी डब्ल्यू है, मान लो आपने 26 लीटर पानी डाला तो पानी डब्ल्यू आया, तो जो दूध है ना वो डब्ल्यू प्लस 24 है। आपको ये समझ में आ रहा है? बोलो तो, ये समझ में आया कि नहीं? यही तो क्वेश्चन बोला ना, क्वेश्चन में तो यही बोल रहे हैं। यस, ये समझ में आया ना? प्लीज रेस्पॉन्ड, अदरवाइज आई वोंट अंडरस्टैंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। यस, समझ में आया? मतलब अगर मैं 26 लीटर पानी डाल देता हूं तो फिर भी मतलब दूध 24 लीटर ज्यादा है, तो मतलब दूध 24 लीटर ज्यादा है, तो वो आप 24 लीटर और पानी डाल दो तो फिर दूध और पानी इक्वल हो जाएगा ना? नहीं आ रहा है समझ में? अभी भी नहीं आ रहा है? समझ में आया ना? नहीं आया समझ में? देखो देखो देखो, मैं समझाता हूँ। देखो ये देखो, एक सेकेंड ना रुको, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, जस्ट जस्ट 1 मिनट, इसको सेट कर दे दो। इतना अच्छा क्वेश्चन है यार, सच्चे गुड क्वेश्चन, सच्चे गुड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मैंने देखो, अगर मैंने ये सपोज वाटर है, वो बोल रहा है कि अगर मैंने 26 लीटर वाटर डाला ना, तो फिर भी मतलब दूध यहाँ पे है, मतलब दूध का जो क्वांटिटी है मिल्क वो यहाँ पे है, मतलब मिल्क फिर भी 24 लीटर ज्यादा है, तो अगर आप 24 लीटर और पानी डाल दोगे तो दूध और वाटर इक्वल नहीं हो जाएगा क्या? नहीं समझ में आ रहा है अभी भी? और कैसे समझाऊँ इसको मैं? समझ में आया ना? देखो अगर आप 26 लीटर पानी डालते हो तो दूध, मतलब आपने 26 लीटर पानी डाला तो दूध फिर भी 24 लीटर ज्यादा है, तो आप और वो 24 लीटर पानी डाल दोगे तो फिर दूध और पानी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपने 50 लीटर पानी डाल दिया तो रेशियो 1:1 हो जाएगा। समझ में आया? इक्वल हो जाएगा ना, तो 1:1 हो जाएगा, तो इससे सॉल्व हो जाएगा ना, इससे सॉल्व हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा सब कुछ। इज इट क्लियर? पूरा चीज समझ में आया ना? अभी स्नेहशी आप बोल रहे थे ना रेशियो नहीं आ रहा है, तो अभी आ जाएगा रेशियो, और अगर रेशियो आ जाता है तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। यस सर, ओके ओके बॉस, ठीक है। तो इसका मतलब आइदर 1 और 3, 2 से दोनों से ही हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सच्चे गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये होगा, आइदर 1 और 3 से ये सॉल्व सर, होगा। एक बार सर मैंने जो किया था एक बार देख लीजिए ना प्लीज, हाँ एक बार बिना आपको भेजा। ठीक है, आपको अगर ये समझ में आ गया, आप दूसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये वाला क्वेश्चन करो। तो देखो ये सब आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल का ही है, अभी मेंस का क्वेश्चन तो ऐसा ही होगा, देखो उपाय तो नहीं है, सॉल्व करो। करेक्ट, सही है, सही, आपका लॉजिक भी सही है। ये वाला क्वेश्चन बनो, क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन है ये, बनाओ उसको।
इजी है शायद, सिर्फ नंबर्स को लिख लो, जो जो नंबर है उसको लिख लो और फिर उससे प्रोबेबिलिटी निकाल लो। और 1 मिनट ले लो, यू कैन टेक 1 मोर मिनट, उसके बाद मैं सॉल्व कर दूंगा। डी वेरी नाइस। चलो आपको क्या बोला, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 6 विच लाइज बिटवीन 10 एंड 40, मतलब 10 और 40 के बीच में एक्स कोई मल्टीपल है 6 का। आपको बोला है यूनिट डिजिट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो एक्स क्या क्या हो सकता है? आप बोलोगे सर 12 हो सकता है, नहीं 12 नहीं हो सकता है, 6 का मल्टीपल है लेकिन 10 12 नहीं हो सकता है क्योंकि यूनिट डिजिट 2 से ज्यादा होना चाहिए ना, 12 नहीं हो सकता है। 18 हो सकता है, 24 हो सकता है, 30 हो सकता है क्या? 30 कैन वी टेक 30? 30 30 नहीं ले सकते, करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है बढ़िया। ठीक है 36 हो सकता है, 36 हो सकता है, ठीक है और कुछ नहीं हो सकता। और वाई, y इज ए मल्टीपल ऑफ 4 एंड इट लाइज बिटवीन 25 एंड 50, 4 का मल्टीपल पहला 28, यूनिट डिजिट ऑफ y इज एटलीस्ट 6, मतलब यूनिट डिजिट ऑफ y मिनिमम 6 होना चाहिए, तो 28 हो सकता है, 32 नहीं हो सकता, 28 और 36 ठीक है, 36 हो सकता है, 40 नहीं हो सकता, 44 नहीं हो सकता, 48 हो सकता है ना, 48 हो सकता है, yes, ठीक है तो मिनिमम 6 होगा ना, ठीक है। अभी आपको क्या बोला, क्वांटिटी 1 क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 2, मतलब एक्स और वाई का जो सम है ना उसका यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए। किसमें 2 होता है देखो, तो 18 प्लस 28 का यूनिट डिजिट 2 होगा। पहले तो आप मुझे बताओ, पहले आप मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी, यहां पे तो ये निकल गया, प्रोबेबिलिटी दैट द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ एक्स एंड वाई इस टू, आप मुझे पहले ये बताओ कि मैं एक्स और वाई का कितना एडिशन पॉसिबल है, बताओ कितना सारा एडिशन पॉसिबल है, हाउ मेनी एडिशन आर पॉसिबल ऑफ एक्स एंड वाई, हाउ मेनी वैल्यूज, विश्वजीत आप बताओ। मतलब वैल्यूज में लगता है ना कि कितना निकलेगा वो बताना। हाँ मतलब कितना आंसर निकलेगा, मतलब क्योंकि प्रोबेबिलिटी में आपको नीचे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालना पड़ेगा ना, वो पूछ रहा हूँ। चार निकलेगा, 4। कैसे चार निकलेगा, ज्यादा निकलेगा ना, 18 18 प्लस 28 में एक वैल्यू निकला, 18 प्लस 36 में और एक निकलेगा,
18 प्लस 48 में अलग निकलेगा, 24 प्लस 28 में अलग निकलेगा, 24 प्लस 36 में अलग निकलेगा, 24 प्लस 48 में अलग निकलेगा, 36 प्लस 28 में अलग निकलेगा, 36 प्लस 36 में अलग निकलेगा, 36 प्लस 48 में नौ वैल्यू निकलेगा ना। सही बोल रहा हूँ ना, हर एक चीज अलग है ना, हर एक वैल्यू अलग है, कोई भी वैल्यू सेम नहीं होगा, कोई भी वैल्यू सेम नहीं होगा। एम आई राइट? आपको समझ में आया ना टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना निकलेगा इसमें से? नौ निकलेगा, नौ। समझ में आया ना ये? देखो भाई सिंपल सोचो ना आप, यूनिट डिजिट का सम दो होगा तो सर मतलब यहाँ पे सिर्फ 24 28 प्लस करने से 2 आ रहा है, उस तरीके से नहीं होगा? हाँ वही होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी है ना, तो आपको यूनिट डिजिट का नहीं, यूनिट डिजिट का भी सेम होगा। मतलब यूनिट डिजिट का सम कैसे होगा? 8 प्लस 8 अलग सम आएगा, 8 प्लस 6 अलग सम आएगा, 8 प्लस 8। जैसे 24 प्लस 28 उसका उसका ही दो आएगा, उसके बाद 36 का दो आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं पूरा फुल ले रहा था। ठीक है, करेक्ट है आपका बात, बिल्कुल सही सही है सही। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या क्या है? यहाँ पे यूनिट डिजिट है 8, 4 और 6, और यहाँ पे यूनिट डिजिट है 8, 6 और 8। मतलब 8 प्लस 8 तो एक ही वैल्यू आएगा, और 8 प्लस 6 अलग अलग एक वैल्यू आएगा, दो वैल्यू, और 8 प्लस 8 फिर सेम वैल्यू, तो दो ही वैल्यू हुआ। फिर 4 प्लस 8 एक वैल्यू आएगा, 4 प्लस 6 अलग आएगा, 4 प्लस 8 सेम वैल्यू, तो चार वैल्यू हुआ। 6 प्लस 8 पहले ही हो गया था, 6 प्लस 6 नहीं हुआ था, 5 आएगा ना। देखो इसमें इसमें कैसे करते हैं ना, एक्चुअली 8 प्लस 8 तो सर नहीं आएगा ना, 8 प्लस 8 नहीं आएगा, ये एक आएगा, ठीक है, ये एक आएगा, फिर 4 8 आएगा, 4 6 आएगा, और 6 6 आएगा, 5 आएगा ना। सही है ना? ओ अच्छा, 8 प्लस 4 और 6 प्लस 6 तो 12 ही है, यही बोल रहे थे आप? ओ इसमें इतना हाँ झमेला हाँ है क्या? हाँ हाँ वो बात इसमें तो बहुत झमेला है फिर। ऐसा क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क में आएगा क्या? ये लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था सच में, आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम वी डिड सच ए गुड क्वेश्चन, इट वाज सो गुड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम इतना अच्छा कुछ मिला है सॉल्व करने के लिए। सी देखो, ये यहाँ पे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी दैट द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 2। तो यूनिट यूनिट डिजिट ऑफ सम मतलब यूनिट डिजिट का सम लेना है, तो आप देखो यूनिट डिजिट का क्या क्या सम आ सकता है एक्स और वाई का। तो यूनिट डिजिट 8 है, 4 है, 6 है, और इसका 8 है, 6 है, और 8 है, तो 8 प्लस 8 में एक सम आएगा, 8 प्लस 8 में एक सम आएगा 16, फिर 8 प्लस 6 में एक आएगा 14, 8 प्लस 8 में सेम आएगा, ये नहीं चाहिए, अलग नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, फिर आपका 4 प्लस 8 में आएगा 12, फिर आएगा आपका 4 प्लस 6 में आएगा 10, 6 4 प्लस 8 में ऑलरेडी आ चुका है, 6 प्लस 8 में आ गया है, 6 प्लस 6 में, 6 प्लस 6 में जो आएगा ना वो ऑलरेडी 4 प्लस 8 में आ चुका है, तो उसको चेक नहीं करना है क्योंकि वो अलग आउटकम नहीं, आउटकम सेम है। फिर 6 और 8 में आएगा, 6 और 8 में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स चार है, उसमें मुझे एक ही चाहिए जिसमें 2 आता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 1/4, ठीक है। चलो प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, ये प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये प्रोबेबिलिटी बताओ। मैंने वैल्यू लिख दिया ना 18, 24, 36 और 28, 36, 48, tell me what will be this probability that the product is a perfect square. But
बताओ आप विश्वजीत, अभी बताओ। से ये वाला थोड़ा सा गलत हुआ है मेरा इस बार। एक्स एंड वाई परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब एक्स जो होगा वाई वही होगा, जब एक्स और वाई इक्वल होगा तभी मल्टीप्लिकेशन परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो 18 और 8 कौन सा इक्वल है? 36, मतलब एक ही मल्टीप्लिकेशन में आएगा। और हम कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आप तीन नंबर को 3 बार, मतलब 9 9 बार मल्टीप्लाई, 9 अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, तो उसमें से सिर्फ एक में ही परफेक्ट स्क्वायर आएगा। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, 9 अलग अलग देखो, 18 के साथ 28 में एक वैल्यू आएगा, 36 में एक, 48 में एक, तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो कितना होगा? क्लियर है ना, समझ में आया ना? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 3 × 3 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे दो प्लेस है, एक्स और वाई, एक्स और वाई मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स को हम तीन तरीके से भर सकते हैं, वाई को भी हम तीन तरीके से भर सकते हैं, मतलब ओवरऑल हम 9 आउटकम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही परफेक्ट स्क्वायर आएगा जब 36 और 36 सिलेक्ट होगा, क्योंकि इक्वल होने से ही परफेक्ट स्क्वायर होगा। 1/4 और 1/9 में बड़ा कौन है? 1/4 बड़ा है, मतलब क्वांटिटी 1 बड़ा है, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चंस थोड़ा ठीक है, थोड़ा इजी क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट, आई विल जस्ट बी बैक इन ए मिनट। करो इसको, यू कैन टेक 2 more minutes, बट प्लीज सॉल्व इट। ये तो RRB क्लर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सी अच्छा, आप लोग मुझे बताओ तो, यू कैन टर्न ऑन द माइक एंड प्लीज टेल मी। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, आप लोग कभी फॉलो नहीं करते। टर्न ऑन द माइक एंड टेल मी, आपने इसमें अप्रोच कैसे लिया? व्हाट इज योर अप्रोच, क्या किया है, मतलब आपने इसमें कैसे बनाने को ट्राई किया वो बताओ। ऑप्शन 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 से बन रहा है,
मैं एक तरीका देखते होता है कि नहीं। बेस्ट मेथड होता है, सबसे बेस्ट मेथड टू मेक दिस सक्सेसिव इज ऑलवेज यूजिंग रेशियो। सबसे बेस्ट मेथड होता है हमेशा रेशियो, काम दूसरा कुछ काम नहीं आए नहीं आए, रेशियो हमेशा काम आएगा। रेशियो बना के फिर ऑप्शन से चेक करो, पहले रेशियो बनाओ फिर ऑप्शन से चेक करो, दैट इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, तो पहले रेशियो बनाओ। आपको बोला है कि सेलर मार्क द प्राइस ऑफ एन आइटम है 2500, मुझे ना इजी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, पता है, मतलब मैं नेक्स्ट क्लास से ट्राई करूंगा, आई विल ट्राई टू टेक द क्वेश्चन लिटिल ईजी, क्योंकि वो डीआई तो इजी था बट उसके बाद ना कुछ भी इजी नहीं आ रहा है। मतलब ये वाला क्वेश्चन भी इजी था, ये वाला क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, ये वाला प्रोबेबिलिटी वाला भी इजी था, उतना भी टफ नहीं है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये वाला क्वेश्चन इट वॉज डिफिकल्ट, ये क्वेश्चन आपसे गलती करा सकता है, सो इट्स ओके, इट वॉज डिफिकल्ट, बट ये वाला क्वेश्चन ईजी था प्रॉबेबिलिटी वाला। मैं ट्राई करूंगा थोड़ा सा और लेवल थोड़ा सा कम करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, शायद ये वाला क्वेश्चन ईजी हो, ये लीकेज वाला। ठीक है, देखते ये वाला क्वेश्चन देखते। देखो ए सेलर मार्क द प्राइस ऑफ एन आइटम है 2500, ये मार्क प्राइस है, फिर भाई ने दो बार डिस्काउंट दिया है, मतलब दो बार रिड्यूस हुआ है नंबर। आपको बोल रहा है कस्टमर पेड, मतलब ये सेलिंग प्राइस है फॉर द आइटम, देन द फाइंड द बिल ऑफ एक्स, इसका रेशियो निकालिए, चार से कटेगा, चार से काटिए, चार से कितने बार कटेगा, ये 625 बार, ये चार से कटेगा 506 बार कटेगा ना, 506, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, इसके आगे कटेगा क्या ये नंबर, कैन वी डू इट फर्दर, कैन वी गो फर्दर, नहीं जा सकते ना, और तो नहीं जा सकते। ठीक है, एनी वन थिंक्स वी कैन गो फर्दर, नहीं जा सकते। तो इसमें फिर देखो इसमें क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, x प्लस टू और x माइनस टू, मतलब अगर x का जो भी वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू होगा, तो पहले हमने उससे 2% बढ़ा के डिस्काउंट दिया, मतलब आप मान लो कि x का वैल्यू 50 है, तो पहले हमने 52% का डिस्काउंट दिया और फिर हमने 48% का डिस्काउंट दिया, मतलब जो परसेंटेज डिस्काउंट है दोनों का बीच में गैप है 4% का, दोनों का बीच में 4% का गैप है। और यहां से मुझे एक चीज ओके, यहां से मुझे एक चीज समझ में, दोनों के बीच में 4% का गैप है, और यहां से एक चीज समझ में आ रहा है कि 625 जो है ना, ये तो 25 का स्क्वायर है, ये तो 25 का स्क्वायर है, ये तो और कोई नंबर से कटेगा ही नहीं, ये तो स्पेशल नंबर है 25 का स्क्वायर, तो 110% श्योर है कि यहां पे 25 आएगा और यहां पे भी 25 ही आएगा। आप एग्री करते हो कि नहीं, किसी को ऐसा लगता है कि सर ऊपर 5 भी आ, 5 आके नीचे 125 भी आ सकता है, एनीवन हु थिंक्स लाइक दैट, यू प्लीज टेल मी, आप मुझे ऐसा बताओ, किसी को ऐसा लगता है कि ऊपर 125 आके नीचे तो 5 भी आ सकता है, नहीं नहीं है ना, आप बैक ऑफ द माइंड में आप अपना कैलकुलेशन बनाओ कि क्यों नहीं आ सकता है, वो नहीं आ सकता है। ठीक है, वो कभी भी नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं, क्योंकि आप खुद इमेजिन करो, यहाँ पे अगर कभी भी 5 आएगा ना और यहाँ पे 125 आएगा, तो 5 का सामान को आप या तो 4 में बेचोगे या तो 3 में, 2 में, 1 में, 5 का सामान को 4 में बेचने से 20% डिस्काउंट होगा, 3 में बेचने से 40% डिस्काउंट होगा, 2 में बेचने से 60% डिस्काउंट होगा और 1 में बेचने से 80% डिस्काउंट होगा, करेक्ट। और अगर 20% डिस्काउंट होता है तो मतलब तो दूसरा डिस्काउंट 18% होना चाहिए, नहीं 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 एक, हाँ 4% कम होना, कम या ज़्यादा होना चाहिए, तो 24% आप 125 से निकाल ही नहीं पाओगे ना, इसीलिए 100% श्योर है कि यहाँ पे अगर 25 आया ना तो यहाँ पे भी 25 ही आएगा, ये हो गया। उसके बाद प्रॉब्लम को देखो, बट क्वेश्चन का लेवल सच में बहुत सही है, बहुत ज्यादा सही है, मतलब ये अगर आप लोग रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, सच में सीरियसली बहुत बहुत अच्छा है, मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था। अच्छा, और एक चीज दिख रहा है कि ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं, बोलो तो 506 11 से कटता है, आप 506 को 11 से काटो, ये 11 इंटू कितना है पता है, 11 फोर जा 44, 6 जा 66, 11 इंटू 46 है, करेक्ट, 11 इंटू 46 है, तो 11 इंटू 46 है, 46 को फिर से ब्रेक करो, 11 इंटू 22 इंटू 20 सॉरी 11 इंटू 23 इंटू 2 है, मतलब एक तरफ 11 इंटू 2 और एक तरफ 23। अभी देखो यहाँ पे कितना डिस्काउंट हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है 3/25 का, मतलब 12% का,
और यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है 2/25 का, मतलब 8% का। आपको यही चाहिए था कि दोनों डिस्काउंट में चार चार का, चार का गैप हो, तो एक एक 10 से 2 ज्यादा, एक 10 से 2 कम, मतलब आंसर 10%। ठीक है, समझ में आया ना? थोड़ा सा देखो, मैंने अलग तरीके से सोचा, तो मैंने आपको उस तरीके से सॉल्व करके बताया। आप अगर ऑप्शन से करना चाहते हैं, यू कैन गो विद ऑप्शन, बट मुझे ऐसा लगता है ये वाला मेथड से और थोड़ा जल्दी आ सकता है कंपेयर टू ऑप्शन। वो आपका मर्जी, इट ऑल डिपेंड्स अप टू यू, आप कैसे करोगे। सो लास्ट पार्ट देखो, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये 22 x 23 है। ठीक है, देखो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाएंगे तो हम इसको 11 x 46 तो नहीं रख सकते ना। आप 46 तो होगा ही नहीं। देखो देखो देखो, मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पे जो, यहाँ पे 25 25 आया और डिस्काउंट भी दे रहा है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 25 से तो कम ही होगा, क्योंकि डिस्काउंट ही दे रहा है। तो 25 से आप 2 कम वैल्यू निकालो, 25 से 2 वैल्यू निकालेंगे तो क्या क्या आएगा, 11 x 22 और 23। तो एक वैल्यू होगा 22 और एक होगा 23। सही है, आप चेक करो, 25 में 3 यूनिट का डिस्काउंट दोगे तो मतलब 3/25 का डिस्काउंट दोगे तो मतलब 12/100 का डिस्काउंट दोगे, मतलब आप 12% का डिस्काउंट दोगे। और यहाँ पे आप 2/25 का डिस्काउंट दोगे, मतलब आप 8/100 का डिस्काउंट दोगे, मतलब आप 8% का डिस्काउंट दोगे। तो इन दोनों में गैप 4% का है ना। मुझे यही चाहिए था कि एक्स जो मैं चूज करूँ उसका दोनों जो डिस्काउंट है उस दोनों में गैप 4% ही होगा, क्योंकि एक एक नंबर एक्स से 2 ज्यादा है और एक 2 से एक्स से 2 कम है, तो ऑब्वियसली वो 4% ही होगा ना। समझ में आया ना? सर सर, अगर इधर 625 ना होके, मतलब कोई परफेक्ट स्क्वायर ना होके कोई अलग नंबर होता तो फिर क्या करते? तो उसको अलग तरीके से सोचते तो अभी मैं कैसे बोल सकता हूँ, अभी तो ये तो इंस्टेंटली बोल दिया। अभी उसको अगर जैसे कुछ और नंबर होता, पहले तो उसका फैक्टर्स निकाल सकते हैं। देखो उससे आप अगर सेफ सेफ खेलना चाहते हो, आप ऑप्शन से करो, ऑप्शन से कर दो, 20% 2 बार लगाओ। लेकिन मतलब मैंने क्यों नहीं किया ऑप्शन से, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 बार 12% निकालना पड़ता, इतना कैलकुलेशन नहीं करना, इसीलिए ऑप्शन नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका वैल्यू आता है ना, आप उसको ट्राई करो कि 2 अलग अलग चीज में बनाने का। अगर 100 वाला वैल्यू आता है तब तो बहुत ईजी है, जैसे यहाँ पे मैं अगर 100 ले लेता ना, तब शायद मेरे लिए और इजी होता कि अगर मैं यहाँ पे 100 ले लेता और यहाँ पे 25 ले लेता, तब शायद ये क्वेश्चन और इजी होता। तब ये 2024 को हम ब्रेक करते 506 × 4, तो 506 × 4 मतलब नहीं, फिर उसको और भी ब्रेक करना पड़ता, मतलब ये फिर × 4 आता, 88 और 23 आता, तब यहाँ पे 88 आता, तब यहाँ पे 88 आता और यहाँ पे 23 आता, तो इधर 12% और इधर 8%। 625 अगर देखो, सी सम थिंग्स की क्वेश्चन जो होता है ना, वो तो जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है वो तो सोच के ही बनाता है कि आप इसको कैसे टैकल कर सकते हो। जो जैसा एग्जामिनर सोचता है, मतलब क्वांट में जो प्रॉब्लम्स बनता है ना, वो एग्जामिनर पहले उसको सॉल्व करता है, फिर एग्जामिनर उसको और एक दूसरे तरीके से सॉल्व करता है, फिर जो टफ अप्रोच है उसके हिसाब से मेंस का क्वेश्चन बनता है कि अच्छा ठीक है ऐसे। वो देखना चाहता है कि मैंने जैसे किया आप ऐसा कर सकते हो कि नहीं, या फिर आप उससे अच्छा कर दो, वो बात है, मतलब दैट इज द थिंग। सो अभी अगर देखो परफेक्ट स्क्वायर दिया है तो यू कैन टेक इट एज परफेक्ट स्क्वायर। अगर कभी मिलता है आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन यू सेंड मी द क्वेश्चन, तब मैं उसको अलग तरीके से देखेंगे। अभी मैं कैसे बता सकता हूँ, वो तो मल्टीप्लाई करने से ही समझ में आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, सॉल्व इट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, देन वी विल एंड द क्लास। प्लीज सॉल्व इट फास्ट।
वेरी नाइस, दोनों ही आएगा। तो और एक आंसर दे दो, देन आई विल बी श्योर। क्वेश्चन यहां भी खत्म होता है। आप पहले 18 डाल के देखो, 18 डाल के देखो, फिर आप देखो वो 36 आता है कि नहीं। इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं ना, मुझे भी यही लग रहा है। पता है मुझे, पता नहीं क्यों एक इंट्यूशन आ रहा है कि बोथ 1 इन 2 नहीं है। क्यों इंट्यूशन आ रहा है पता है? क्योंकि अगर अगर बी अगर टैंक को 18 घंटे में फिल कर देगा, और अगर ये जो लीकेज है वो अगर 36 आवर्स में टैंक को खाली कर देगा, मतलब ये जो लीकेज है उसका जो एफिशिएंसी है वो उसका आधा होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ये 36 घंटे में ये खाली कर देता है ना टैंक, और ये अगर 18 घंटे में, दो नहीं होगा ना। अब मुझे भी यही लग रहा है, दो नहीं होगा। हाँ दो नहीं होगा, अच्छा दो नहीं होगा, ओके 1 होगा आप बोल रहे हो। तो आपने तो ए आंसर दिया है। अब मैं, अच्छा ठीक है मैं सॉल्व करता हूँ, छोड़ो। नहीं सर, मतलब वो जो 24 और 18 है ना, हाँ, तो उसका तो 72 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर 36 आवर्स में अगर टोटल एम्प्टी कटता है, मुझे मतलब यहाँ पे वो 36 आवर्स में कर रहा है तो 72 को, तो उसका एफिशिएंसी तो 2 नहीं होना चाहिए। हाँ मैं वही मतलब बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं भी वही बोल रहा था, मैं भी यही बोल रहा था कि अगर ये वाला टैंक अगर 18 घंटे में खाली भर देता है, और अगर ये लीकेज अगर 36 घंटे में सेम टैंक को खाली कर देता है, मतलब लीकेज डबल काम करता है, सॉरी आधा काम करता है ना, आधा काम करता है इससे, इससे आधा काम करता है, मतलब तब तो जो टैंक है तो 14.4 आवर्स में फिल कैसे होगा फिर? अरे यार इसको ऐसे देख लो, देखो ऑप्शन पुट करके देखो, यहाँ पे 18 और 36 डाल के देखो, फिर देखो मैच होता है कि नहीं। 2 pipes A एंड B कैन फिल ए टैंक इन 24 आवर्स एंड 18 आवर्स, तो 24 आवर्स एंड 18 आवर्स, और जो लीकेज है वो इट कैन एम्प्टी द टैंक इन 36 आवर्स। तो अभी इसका 24 और 36 का एलसीएम 72, 72 और 18 का एलसीएम 72, तो 24 3 जा 72, 18 4 जा, और ये लीकेज है तो ये -2। तो अभी टैंक देखो तो 14.4 आवर्स में फिल होगा क्या? 72 डिवाइडेड बाई कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में? 3 + 5 नहीं होगा ना, होगा ऑब्वियसली होगा, 3 + 7, 3 + 4, 7 - 2, 5, हाँ होगा ऑब्वियसली होगा, करेक्ट 14.4 आवर्स में ही फील होगा, करेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट, 14.4 आवर्स में ही फील होगा टैंक, बात बिल्कुल सही है। बट ड्यू टू ए लीकेज इन द टैंक गेट्स फील्ड इन 14.4 आवर्स, ठीक है बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ठीक है। और अभी आप दूसरा ऑप्शन डाल के देखो 20 और 45 डाल के देखो, अगर एक टैंक उसको 24 घंटे में भरता है, दूसरा वाला 20 घंटे में भरता है, और लीकेज उसको 44 आवर्स में खाली कर देता है, तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? नहीं तो नहीं चाहिए, एलसीएम से नहीं करेंगे डायरेक्ट, इसको एफिशिएंसी का रेशियो घुमा दो यहाँ पे। नहीं एलसीएम से ही करते हैं, और झमेला है। ओके मैं सोच रहा था एलसीएम से नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये 15 आएगा या 18 आएगा या 8 आएगा, तो ये -8 होगा, ये लीकेज है ना, ये -8 होगा। अभी देखो कितना टाइम लगेगा लीकेज के साथ, 360 टोटल वर्क डिवाइडेड बाई 15 + 18, 33 - 8 कितना होता है? 25, तो 25 मतलब 25 14 जा होता है, 25 14 जा 350 होता है, और
टेन इसका कितना होता है, 2/5 मतलब 0.4 है ना, तो 14.4 ही होता है। सही है, वेरी नाइस प्रियंका, करेक्ट, बोथ 1 इंटू हो गया। इजी था ना क्वेश्चन, इसमें क्या था यार, ए क्यों नहीं निकला आप लोगों का, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, इट वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन इन द क्लास। आज हमने इतना इजी क्वेश्चन किया ही नहीं, क्यों प्रॉब्लम होता है विश्वजीत? आपका एक प्रॉब्लम है, आप टफ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो बट इजी क्वेश्चन में क्यों ऐसा होता है? आप डायरेक्ट ज्यादा मत सोचो ना, मैं सोच रहा था तो क्या हुआ, मतलब मैंने तो सॉल्व नहीं किया ना, आपने सॉल्व कर लिया, बट आप ज्यादा मत सोचो, वैल्यू डालो, देखो मिलता है कि नहीं, अगर मिलता है तो ट्रू, नहीं मिलता है तो फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स को ऐसे ही करो, अब वैल्यू डाल दो उसमें, फिर देखो कि वो मैच हो रहा है कि नहीं सिचुएशन, अगर सिचुएशन मैच होता है देन इट इज ट्रू, एंड इफ इट डजंट मैच देन इट इज फॉल्स। ठीक है, एक क्वेश्चन बाकी है, इसको भी कर लो यार, इसको फिर क्या रखना है, ये बड़ा वाला क्वेश्चन छोड़ो, ये एक क्वेश्चन बाकी है, यू ट्राई टू सॉल्व इट प्लीज, ये वाला क्वेश्चन करो तो सॉल्व इट, बस आई वांट द आंसर इन एग्जैक्टली 3 मिनट्स, उससे ज्यादा मैं वेट नहीं करूंगा, मुझे थोड़ा बाहर जाना है, प्लीज सॉल्व इट, 3 मिनट्स में सॉल्व कर दो इसको। ये क्वांटिटी वन आ रहा है क्या, 25.2, क्वांटिटी वन कितना आ रहा है बोलो तो, 25.2 आ रहा है क्या, देखो तो, या फिर कुछ और आ रहा है, प्रियंका आपका क्या है क्वांटिटी वन?
बताओ क्वांटिटी वन हाउ मच, ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू, ठीक है। रॉन्ग कैलकुलेशन हुआ, सॉरी, मेरा 25.2 आ रहा है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, देखो स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 25% मोर देन ट्रेन ए, मतलब ए और बी का जो स्पीड का रेशियो है, बी का ज्यादा है ना 25%, तो ए का अगर 4 है तो बी का 5 होगा, क्वांटिटी टू, हाँ तो दोनों इक्वल होगा फिर। मुझे नहीं लगता है मेरा कैलकुलेशन गलत है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन इतना नहीं था, ठीक है। देखो स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 25% मोर देन ट्रेन ए, तो बी का स्पीड 25% ज्यादा है, मतलब ये स्पीड का रेशियो है। ट्रेन बी ओवरटेक्स ए फ्रॉम बिहाइंड, अच्छा देखो जब एक ट्रेन को पीछे से ओवरटेक करेगा तो वो तो 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 लेंथ कितना कवर्ड होगा, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यू टेल मी डिस्टेंस कितना कवर्ड होगा, दोनों का लेंथ, डिस्टेंस इज इक्वल टू दोनों का लेंथ, करेक्ट, यस दोनों का लेंथ, ठीक है। एक ट्रेन ऐसा है वो पीछे से कवर ओवरटेक करेगा तो पूरा दोनों का लेंथ कवर करेगा ना, तो लेंथ मतलब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, कितना टाइम लगा, 144 सेकंड्स लगा, और स्पीड सेम डायरेक्शन में जाएंगे, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो जो रिलेटिव स्पीड होगा वो माइनस करके निकलेगा, रिलेटिव स्पीड माइनस करके निकलेगा तो 5 - 4 होगा 1 यूनिट, इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो 144 यूनिट्स है, और डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स है, करेक्ट, लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि ट्रेन ए 21 सेकेंड्स में एक स्टेशनरी पोल को क्रॉस करता है, तो एक ट्रेन जब एक पोल को क्रॉस करता है तो वो अपना ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लेंथ ऑफ ए ट्रेवल करता है, लेंथ ऑफ ए क्या होगा, स्पीड ऑफ ए 4 इंटू स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना लगा 21, तो 84 है ए का लेंथ और टोटल लेंथ है 144, तो बी का लेंथ कितना होगा, 60 होगा, बी का लेंथ 60 होगा। आपको पूछा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म हुज लेंथ इज 10% मोर, मतलब प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो ट्रेन से 10% ज्यादा है, मतलब 66 है। तो अभी जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो वो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, मतलब 60 + 66 = 126, ये डिस्टेंस ट्रेवल होगा, और स्पीड जो होगा वो बी का स्पीड, तो 126 / 5 इतना ही टाइम लगेगा, तो 126 / 5 इज 25.2 सेकेंड, सेकेंड्स में आएगा ना टाइम, करेक्ट, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आपको, आप मुझे ये बताइए, प्लीज टेल मी, यस क्लियर है, ठीक है, यस पूरा समझ में आया ना। देखो रेशियो को दिमाग में चलाओ, आपको समझ में आएगा, आपको आएगा समझ में, रेशियो में क्या होता है ना वो समझना ही मेन है। आई नो सम ऑफ यू हैव डन इट यूजिंग एक्स, एंड इफ आई टेल यू 100 टाइम्स यू विल स्टिल यूज एक्स, I know that you will still use X because that is the practice that most aspirants do. But I won't use, I will never use X, so मैं उसको नहीं करूँगा वैसा। So if you want to do it this way, you can do it this way. क्योंकि X और X लाने से ना आपका brain stop होता है, पता है? If you don't do you taking X no, then your brain will open like anything. तब आपका brain इतना खुल जाएगा ना, आप reasoning, critical reasoning सब सब कर दोगे, सब English कुछ problem नहीं होगा। So you try not to take X. ठीक है, ओके। उसके बाद देखो क्वांटिटी टू क्या है, टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 450 मीटर अपस्ट्रीम इज सेम एज द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 900 किलोमीटर 900 मीटर डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इतना है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ इतना, ये तो बाद में देखेंगे। मुझे बेसिकली स्टील वाटर का स्पीड चाहिए, बोट 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 का स्पीड चाहिए स्टील वाटर में, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। टाइम टेकन बाय बोट, टाइम इक्वल है ना, टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टाइम 450 मीटर डिस्टेंस बाय स्पीड, किस स्पीड में जा रहा है, अपस्ट्रीम में जा रहा है, तो बोट माइनस वाटर इज इक्वल टू 900 मीटर किस में जाएगा, डाउनस्ट्रीम में, मतलब बोट प्लस वाटर, ये तो कट जाएगा इससे दो बार, तो मतलब इस बोट प्लस वाटर और बोट माइनस वाटर का रेशियो क्या है, बोट प्लस वाटर और बोट माइनस वाटर का रेशियो 2:1, मतलब बोट प्लस वाटर बोट माइनस वाटर का डबल है, ठीक है, जिसमें आपको बोला है कि स्पीड ऑफ वाटर का स्पीड 7.5 है, तो वाटर का स्पीड अगर 7.5 है तो इसका स्पीड क्या होना चाहिए, 7.5, नहीं, ये तो ज्यादा होगा ना, 7, ये 7.5 है,
तो ये 15 होने से होगा क्या? 15 होने से 7.5 नहीं होगा ना? क्या है बोट का स्पीड बताओ, मैं नहीं करना चाहता हूँ कैलकुलेशन। प्लीज टेल मी व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट। 22.5। हाँ 22.5 करेक्ट, 22.5 ही आएगा, ठीक है करेक्ट। 22.5 अगर डालेंगे तो यहाँ पे 15 आएगा और ऊपर 30 आएगा, तो उसका डबल है, तो बोट का स्पीड आएगा 22.5। बस अभी और कुछ नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ कॉबर्ड डिस्टेंस इतना मीटर और बोट का स्पीड पता ही है। इसको सॉल्व करना है बस, 9 से काट दो इसको 6 बार और 9 से 3 बार, इसको 9 से काट दो 5 बार। 63 126/5, वो भी वही आया था 126/5, इसका मतलब दोनों क्वांटिटी इक्वल है। अरे यार इसका मतलब दोनों क्वांटिटी इक्वल है। ठीक है, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास, इफ यू हैव एनी डाउट यू आस्क मी लेटर। चलो थैंक यू, बाय बाय।